ये फूल तुम लाई हो। जी। किससे पूछकर तुम ये फूल लाई हो? हाँ। सर। मिस गीत हांडा, मैं तुम्हारा बॉस हूं, तुम्हारा दोस्त नहीं। ये जगह प्रोफेशनल है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे फूल लाने की? ये फूल मैं तो बस थैंक्स करने के लिए लाई थी। तुम थैंक्स कह चुकी थी, बस उतना काफी था। ये तो अपना अपना नजरिया है। आपको लगा कि जरूरत नहीं थी, पर मुझे लगा की जरूरत थी। तुम्हें क्या लगता है? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ऑफिस में वही होता है जो मैं चाहता हूं, बिकॉज आई एम द बॉस। तो बॉस इंसान नहीं होते, और वैसे भी ये फूल मैं उस इंसान के लिए लाई थी जिसने कल रात मेरी मदद की थी, क्योंकि बचपन से मुझे सिखाया गया है कि अगर कोई हमारी मदद करे तो हमें उसे ये बात बतानी चाहिए कि आपकी मदद का उसको एहसास है। पर आप जैसे रूखे लोग एहसान शब्द भी नहीं समझते। तो मेरे फूल आपके लिए क्या मायने रखेंगे? गीत, अब एक काम करो, ये सारे फ्लावर्स डस्टबिन में फेंक दो इसी वक्त। पर सर। बस, अब एक और शब्द नहीं बोला ना, एक भी शब्द बोला तो। प्लीज गीत, मुझे बख्श दो, कम से कम एक दिन तो मुझे चैन से जीने दो। और हाँ गीत, अगली बार से मेरे लिए कुछ लाने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना कि कौन सी चीज अच्छी लगती है। सलाम की गीत। कितनी कड़वी बातें कही उन्होंने मुझसे। क्या कह रहे थे वो? अपनी हद में नहीं रह सकती तुम। और क्या कहा था? एक और लफ्ज मत कहना। ठीक है, यही चाहते ना वो, तो यही सही। देखना, एक और लफ्ज नहीं कहूंगी मैं उनके सामने। फाइल कहाँ गई? ओ, गीत को दिया मैंने। तो ये बात है, किसी ने मेरे कंप्यूटर से समोसे और कचौरी ऑर्डर किए। अब कैसे पता करूं किसने किया और क्यों किए? पर सर। अब एक और शब्द नहीं, कम से कम एक दिन तो मुझे चैन से जीने दो। क्या कहा था? मुझे चुप रहने के लिए कहा था। और क्या कहा था? पक्ष तो मुझे। तो ठीक है, वही सही। मैं तो ना ही इनसे कोई बात करने वाली हूँ, ना इनके सवालों के जवाब देने वाली हूँ। तुम्हें फोन की घंटी सुनाई देती है या नहीं? सुनाई कैसे देगी? कान में जो हाथ डाला हुआ था। नोएडा वाले प्रोजेक्ट की फाइल लेकर अंदर आओ। पागल गीत पागल हो गई है और पूछूंगा कि ये सब क्या है तो उल्टा जवाब देगी। गीत, ये नोएडा की कंस्ट्रक्शन की फाइल है, मुझे अकाउंट्स की फाइल चाहिए। खुद को सच में भगवान समझते हैं। मुझे क्या भविष्यवाणी होगी कि नोएडा वाले प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन वाली नहीं, अकाउंट्स वाली फाइल चाहिए। ये तो हद हो गई यार, कुछ बोलती फिर भी सुनाते और कुछ नहीं बोलती फिर भी सुनाते। ठीक है, अब से मैं भी ऐसी एक्टिंग करूंगी। जब तक वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करते तब तक मैं भी बात नहीं करूंगी। इसे क्या हो गया, ये इतनी चुप? गीत, कल वो तुम कुछ घर के डिजाइन्स दिखा रही थी, अगर तुम्हें कुछ चेंज करना है तो तुम कर सकती हो। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। गीत, अगर इस बार तुमने कुछ जवाब नहीं दिया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें सुनाई दे रहा है? जोर से बोलो। आपने मुझसे कहा था कि बिल्कुल मत बोलना, इसलिए मैं चुप बैठी हूं। ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं बोलना चाहती हो तो मत बोलो, मैं ताशा शाशा आदि से पूछ लूंगा। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि ये कब तक चुप रहती है।